妈妈。 shit. I'm so sorry. Are you okay? I'm fine. Listen. Vicky is innocent. ये क्या हो रहा है? Student protest कर रहे हैं. लेकिन क्यों? Teen down, down. Vicky is innocent. ये तो बहुत लकी है. एक लड़के के लिए इतनी सारी लड़कियाँ. Teen down, down. जरूर expel किया होगा. Madam, your daughter is protesting against you. I can see that. Let's go. Vicky is innocent. Teen down, down. Vicky is innocent. Vicky is innocent. Excuse me, what's going on here? Get lost. Pooja Mall में? सुनो डीन, आप ये ठीक नहीं कर रहे. अगर विकी को इंसाफ नहीं मिलाना तो हम आपकी कार जला देंगे. Excuse me, हुआ क्या यहाँ पर? हम विकी के सपोर्ट में डीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. Who the hell is Vicky? My boyfriend. वो मेरा boyfriend. नहीं, वो मेरा boyfriend है. झूठ मत बोलो. विकी तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम हो सकता है, पर हम लड़कियों के लिए वो सब कुछ है. हॉट, क्यूट, वो और उसकी प्यारी प्यारी बातें मानो जैसे ग्रीक गॉड हो. हर लड़की उस पर फिदा है. उसके एक नहीं कई गर्लफ्रेंड्स हैं. वो सबके दिलों पर राज करता है. तो फिर उसे क्या हुआ? डीन की बेटी और विकी कंबाइंड स्टडी कर रहे थे और तभी डीन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और डीन ने विकी को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया. तो फिर विकी ने क्या किया? विकी ने कॉलेज में लीगल अपील की है. काउंसिल में उसे अपने बेगुनाही का सबूत देना है और आज ही वो दिन है. विकी काउंसिलर से मिल रहा है, प्रशांति रेड्डी, हेड काउंसिलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एज 32, वेरी स्ट्रिक्ट. वो मर्दों से बुरी तरह पेश आती है. उनके स्टाफ में जितने भी मर्द हैं उन पर रोज अपना गुस्सा निकालती है और अपना ईगो सेटिस्फाई करती है. प्लीज प्रे फॉर विकी. अजीब कैरेक्टर है ना? फालतू कैरेक्टर है. एक्सक्यूज मी मिस. हाय. ये इंग्लिश भाषा भी ना, जो मिस नहीं है उन्हें भी मिस कहना पड़ता है. वेयर इज द काउंसलर्स ऑफिस? Thank you. Hey, तुम हिंदी बोलती हो? Oh, ego. April 6th को रात को ठीक 11:30 बजे तुम डीन की बेटी मार्गरेट के रूम में क्या करने गए थे? Actually, मार्गरेट थोड़ी स्ट्रेस में थी और मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था. स्ट्रेस में थी? Can you explain? Yes, Miss Reddy. अच्छा, जब आप स्टूडेंट थी तो एग्जाम टाइम में स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करती थी? मैं चॉकलेट खाती थी. हाँ, उन दिनों तो चॉकलेट से काम बन जाता था, पर आज का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है. चॉकलेट खा लो, बिस्किट खा लो, कुछ नहीं होता. ह्यूमन टच की जरूरत पड़ती है. What? मैंने भी ठीक इसी तरह रिएक्ट किया था, पर एग्जाम टाइम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी. सुबह उसका एग्जाम था, पास होने के लिए उसे पढ़ना जरूरी था, पढ़ाई के लिए स्ट्रेस कम होना जरूरी था. स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने बस उसकी हेल्प की. एक तरफ थे मेरे वैल्यूज और दूसरी तरफ था मार्गरेट का करियर. वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर. What did you decide? वही जो सही था, वैल्यूज भुला दिए. सिर्फ मार्गरेट के करियर के खातिर, उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसने जो कुछ मुझसे कहा मैं बस करता चला गया. मेरी लगाम उसके हाथ में थी. शी फेल रियली हैप्पी. पर तभी उसकी मासूम माँ आ गई. Vicky. She didn't feel happy. Miss Reddy, I'm not guilty. Please help me. Miss Reddy, आपके हाथ कांप रहे हैं. आपके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं. आपको तो पसीना भी आ रहा है. I think you are stressed. आप चॉकलेट खाएंगी? No. Miss Reddy. Call me Prashanti.
पापा चाचू नहीं आ पा रहे, कुछ वीजा का इशू है। सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हिंदी बोलती हो? अरे एक्सक्यूज मी मिस, इंग्लिश भी बड़ी अजीब भाषा है, जो मिस नहीं होती है उन्हें भी मिस बोलना पड़ता है। हाय, आई एम विकी। तो उसमें मैं क्या करूं? एंड प्लीज डोंट फॉलो मी। हर लड़की पहले यही करती है, बाद में बहुत पछताती है। मैम प्लीज टेक योर सीट। I want to change my seat, please. Sorry, the flight is full. Flight full ho gayi hai, Nikita. Short mein Nikki, cute lagta hai na? Tum mera naam kaise jante ho? Naam jana tabhi to bagal ki seat le paya hu main. Dekho Vicky, tum jitni marzi koshish kar lo par kuch nahi hone wala, kyunki main tumhe acche se jaan chuki hu. Kya jaan chuki ho? तुम्हारा नाम है विक्रम कृष्णा और तुम वेलिंगटन यूनिवर्सिटी से MSN फाइनेंस कर रहे हो। 2 साल के कोर्स को पूरा करने में 4 साल लगा दिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें तुम फेल ना हुए हो और तुम कॉलेज की हर लड़की का फिगर। तौबा तौबा तौबा, बोलने में शर्म आ रही है। ओके, थैंक्स। थैंक्स? पर किस लिए? देखो, अगर तुम ये सब कुछ मुझसे इंडिया में लैंड होने के बाद कहती तो मैं पूरा सफर तुम्हें पटाने में बर्बाद कर देता। अब मैं आराम से किसी और लड़की पर ट्राई करूंगा। क्या गारंटी है कि कोई और पट जाएगी? West 12D, 12D, 12D. वाह बे, वाह। Thanks. Excuse me, miss. Yes. बिल्कुल सही। हाँ सही है ना, देखिए वो आ गए। विक्की। हाय पापा, आप कैसे हैं अंकल? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर। हाय, आई एम किशोर। अरे सॉरी बेटा, ये किशोर है, तुम्हारे चाचा के होने वाले दामाद। जी जी जी। आप मुझे लेने कैसे आ गए? नहीं, वो एक्चुअली मेरी बहन भी इसी फ्लाइट से आई है। इसी फ्लाइट से? वो देखो, वो रही। आ गए। हाय। हाय भैया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कैसी हो बेटा? हाय अंकल, मैं अच्छी हूँ। पापा आप इसे जानते हैं? हाँ, उमा की सगाई में सारा इंतजाम इसने किया था। ये मेरा बेटा विक्की। हाय। हाय। तुम लोग एक ही फ्लाइट में थे, तुम लोग मिले नहीं? थैंक्स अ लॉट विक्की, इट वाज ग्रेट। अब बोलो। बेचारी को फ्लाइट में पेन दिया था, इसलिए थैंक्स कह रही थी। सच बोल रहे हो ना? प्रॉमिस पापा, सच कह रहा हूँ। विक्की! ए, तूने अभी झूठ बोला ना? जीजा जी, इससे मिलो, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ए, वो सब छोड़ यार, तूने झूठ बोला कि नहीं? तुम्हें कैसे पता कि अभी इसने झूठ बोला? अरे मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ, जब भी ये झूठ बोलता है मैं लेट होगा। बाय बाय, बाद में मिलेंगे। चल चल चल। अरे हाँ हाँ, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बाय। चलो रंगा, सामान गाड़ी में रखो। जी बेटा, तुमने किशोर की बहन से ऐसा क्या कहा? वो बहुत गुस्से में लग रही थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा पापा। सच कह रहे हो? प्रॉमिस पापा, मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे। अरे जरा संभाल के, हम लड़की वाले हैं। विक्की, विक्की, गुड मॉर्निंग बेटा। हाय चाची। ये लो कॉफी पी लो। थैंक यू। हाय भैया, मेरे लिए क्या लाए हो? देखा चाची, कितनी लालची हो गई है ये। उमा जाओ, पूरा ब्लैक सूट केस तुम्हारा ही है। थैंक यू चाची। विनोद, या इससे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा।
क्योंकि बाद में आपका ख्याल मैं ही रखूंगा। मैं बताना भूल गई कि चाचा उड़ गए क्या? उन्होंने कहा कि तुम उठ जाओ तो बता देना। अरे जल्दी करो, शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हो। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। गुड मॉर्निंग चाचू। टाइम देखा, 10 बज रहे हैं। वो कल रात को देर से सोया था। तो आखिर तुम्हें मास्टर्स डिग्री मिल गई? हाँ देखिए ना मेरा सर्टिफिकेट। ए भगवान, 2 साल लग गए डिग्री लेने के लिए, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई से कुछ सीखो। अब मैं उससे सीखूं? हाँ, IIT से BTEC और IIM से MBA किया है। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, 5 लाख रुपए हर महीने कमाता है। तुम्हारे पापा सिविल इंजीनियरिंग में टॉपर थे, मैं मेडिकल एंट्रेंस में टॉपर था। हालांकि बाद में मेरी दिलचस्पी कंस्ट्रक्शन में हो गई, पर मैंने कभी पढ़ाई से मुंह नहीं फेरा, कभी नहीं। भाई साहब, आपके भाई विक्की को लेक्चर दे रहा है। अपनी पूरी फैमिली में अगर कोई नालायक और निकम्मा है तो सिर्फ तू है। देखिए फिर से शुरू हो गया। मैं तुझे एक ही बात बार बार कहता रहता हूँ विक्की, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़। चाचू वो बाबा। बेटा तुम किशोर की बहन को पहचानते हो ना? हाँ निकी ना। रिवाज के मुताबिक उसे कुछ तोहफे देने हैं। हाँ। तुम उसे शॉपिंग पे क्यों नहीं ले जाते? और उसे जो कुछ भी अच्छा लगे उसे बेहिचक खरीदवा देना, पैसों की फिक्र मत करना। ये तोहफे ओफे की क्या जरूरत है, लिफाफे में कैश डाल के दे दीजिए उसे। विकी, तुम्हारा मशवरा किसी ने नहीं मांगा है, अपने पापा की बात मानो। मैं होता तो कभी मना नहीं करता, ये कैसा बिहेवियर है।